हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम सोलर पैनल लगाते हैं, तो सोलर पैनल जो हम छत पे लगाते हैं या फिर ग्राउंड पे कहीं भी लगाएं, तो क्या हम अगर सोलर पैनल को लगाने के बाद उस पैनल को पे अगर हम हाथ रखें या उस पैनल को अगर टच करके रखें और उसी पैनल पे कहीं बिजली गिर जाए या फिर करंट उस पैनल के बॉडी में रहे और हम उसमें टच करें, तो क्या हमें करंट लगने के चांसेस रहेगा? इस तरह के एग्जांपल के तौर पे मान लो कि इस ये पैनल का बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी में यहाँ पे जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग फ्रेम बोलते हैं, तो इस फ्रेम में एक पैनल हो या 10 पैनल हो, कितना भी पैनल हो सकता है, तो क्या इस पैनल पे अगर कहीं किसी बॉडी में करंट लगा हुआ है, वहाँ पे वायर सटा हुआ है और हम यहाँ पे इसको टच करके रखे हुए या छुए हुए हैं इस तरह से हाथ देके, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट हमारा टच में है इसके, तो उस कंडीशन में क्या हमें करंट लग सकता है? तो ये प्रैक्टिकली हम आज चेक करने वाले हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या इसके बॉडी में, पैनल के बॉडी में या इसके फ्रेम में जो एक कंटिन्यूटी होता है जो करंट को पास करने वाला, वो होता है या नहीं होता है? ऐसा तो नहीं कि हम इस पे टच में हैं और करंट पास ना हो या फिर करंट पास हो। तो जो भी चीज़ है प्रैक्टिकली चेक करके देखने वाले, और चेक करने के लिए हमें चाहिए होगा एक मल्टीमीटर। तो हमने यहाँ मल्टीमीटर ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक टेस्ट करने वाले हैं, और वो टेस्ट होगा इसी मल्टीमीटर से। जैसे कि हम इसके बॉडी में, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे, पहले मल्टीमीटर में हम सेट क्या करना है, तो मल्टीमीटर में हमें कंटिन्यूटी सेट करना है। कंटिन्यूटी मतलब होता है जहाँ से हम जो करंट सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, वो सही है, वो करंट पास कर रहा है। तो अगर पास करेगा तो उसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूटी ओके है, मतलब कंटिन्यूटी है। जिस तरह की यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं इसको कंटिन्यूटी में, वाईफाई वाला जो सिंबल देख रहे हो, तो इस सिंबल में अगर हम लगाते हैं तो इससे ये मतलब अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एक बीप सब आ जाएगा इस मल्टीमीटर से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैं इन दोनों फ्रॉग को अगर टच करता हूँ, दोनों वायर को देख रहे हो, आवाज़ आ रहा है और यहाँ पे कुछ वैल्यू भी शो कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है ना। तो फिर से आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ, तो देख पाओगे आप जैसे ही मैं टच करता हूँ, देखो तो एक वैल्यू भी आता है और यहाँ पे अब एक बीप सा आवाज़ आता है। इसका मतलब है कि करंट पास होता है और हो सकता है। उसी तरह इसके बॉडी में भी हमें चेक करना है कि एक करंट पास होता है या नहीं होता है। तो सिंपली क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर इस तरह होल्ड करके रखता हूँ, अगर आवाज़ ना आए तो मैं माइक को इसके नियर वाइज रखूँगा ताकि आपको आवाज़ सुनाई पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, इसके बॉडी में किसी जगह, दो जगह पे हम टच करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक हम यहाँ पे टच करेंगे और एक थोड़ा दूर पे टच करेंगे, फिर इसका देखना है कि ये कंटिन्यूटी इस पे आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे मैं करने से पहले बता दूँ कि अभी जैसे यहाँ पर टच करूँगा तो नहीं आएगा, देखो ना, नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसके बॉडी में एक प्लास्टिक कोटिंग किया जाता है। जैसे कि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको हटाऊँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ देखो थोड़ा सा अगर मैं कैमरे को नज़दीक करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देख पाओगे आप पैनल के इस बॉडी में, यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है लेकिन इसमें प्लास्टिक कोटिंग है। यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे मैं इसे थोड़ा सा हटाता हूँ, देखो दिख रहा है, यहाँ प्लास्टिक थोड़ा सा निकल रहा है। तो ये प्लास्टिक होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट टच करेंगे तो नहीं शो करेगा, लेकिन क्या है कि ये प्लास्टिक पूरा बॉडी में नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ से नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे हो, इस वाले भाग में नहीं है, है ना, इस कोने में नहीं है। ये प्लास्टिक हट भी तो सकता है, तो हमें हटा के चेक करना है, प्लास्टिक के ऊपर चेक नहीं करना है, क्योंकि पता है कि प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, इस पर करंट पास होगा नहीं, तो कहाँ से होगा, इंसुलेटर के बाद जो ये बॉडी है, इस बॉडी में चेक करना है, इस फ्रेम में चेक करना है हमें। तो देख सकते हो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक को हटा के फिर चेक करेंगे। देखो यहाँ पे मैं इस दोनों बॉडी में लगाता हूँ, तो देखा आपने, ये आवाज़ आपको सुनाई पड़ रहा होगा। मैं अगर माइक नज़दीक रख के आपको सुनाता हूँ, मैं माइक इस बार नज़दीक रखता हूँ, तो देखा आपने इस प्लास्टिक के हटने से, इस ऊपर जो इंसुलेटर लगा हुआ है इसके हटने से ये पूरा बॉडी में तो है नहीं। जैसे कि कॉर्नर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नहीं है कॉर्नर में। देखो दो जगह मैं लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इस कॉर्नर पे, यहाँ पे प्लास्टिक हट चुका है, जो इंसुलेटर है वो हट चुका है, ठीक है। और दूसरा मैं इस जगह पर लगा रहा हूँ, फिर देखते हैं, देखो
देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसके बॉडी में करंट पास होता है और ये हम अगर इसमें यहाँ पे वायर टच कर दे और किसी इसके बॉडी में अगर छुए टच करे तो क्या होगा, हमें करंट लगने का चांसेस जो रहे वो रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका प्रॉपर अर्थिंग करना चाहिए कि अगर हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो हमें करंट लगने का चांसेस रहेगा। चांसेस क्या, करंट लगेगा ही लगेगा क्योंकि इसके बॉडी में कितना भी प्लास्टिक क्यों ना चढ़ा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लास्टिक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हटा हुआ प्लास्टिक है ना, ये देख रहे हो, देख रहे हो, तो ये यहाँ पर देख पा रहे होगे ये प्लास्टिक इस तरह से चढ़ा हुआ होता है, ये इसे हटा सकते हैं या फिर ये हट भी जाता है, देखो खुद ब खुद वहाँ पे हट रहा है, देखो यहाँ पे ये खुद ब खुद यहाँ पे हट रहा है। तो ये प्लास्टिक जो हट जाएगा उसके बाद क्या है, ये करंट लगने का चांसेस ये पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सोलर पैनल पे अगर हम बारिश के समय छत पे रखा हुआ है पैनल और उस पे क्या है कि लाइटनिंग या करंट बिजली गिर गया या फिर ये हो सकता है कि कोई वायर टच में है उसके बॉडी पे, पैनल के बॉडी पे, और उसी पैनल को हम छू रहे हैं तो क्या होगा, हमें करंट लगेगा ही लगेगा। तो ये एक सेफ्टी हमें पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस हमें जानकारी होना चाहिए कि सोलर पैनल के बॉडी से करंट लग सकता है। तो आज का मोटो यही था बताने का कि सोलर पैनल के बॉडी में से भी करंट लग सकता है, इसीलिए हमें सोलर पैनल के बॉडी में छत पर रखा हुआ है तो बिना चेक किए हमें टच नहीं करना चाहिए, हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि हाँ कि उसके बॉडी में करंट तो नहीं आ रहा है, हो सकता है बाय द वे कोई वायर सट गया हो, क्योंकि यहाँ पे पैनल पे सटेगा तो जाहिर सी बात है पैनल से जो हम स्ट्रक्चर कनेक्ट करेंगे नट बोल्ट के जरिए पीछे के साइड से, तो वो स्ट्रक्चर भी तो मेटलिक चीज़ है तो वहाँ से भी तो करंट आ सकता है, हो सकता है पैनल पे वायर टच नहीं हो, स्ट्रक्चर पे टच हो, स्ट्रक्चर पे टच होगा तो क्या होगा, हाँ जाहिर सी बात है पैनल पे टच होगा, पैनल पे टच होगा तो हम पैनल को छू रहे हैं तो वहाँ से करंट लग सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमें पैनल को छूने से पहले, स्ट्रक्चर को छूने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए, ये श्योर होना चाहिए कि सोलर पैनल के बॉडी में या स्ट्रक्चर के बॉडी में करंट नहीं आ रही है, ठीक है। तो आज का मोटो यही था बताने का, आपको जानकारी देने का कि आप कभी भी ऐसा काम करो तो आप सतर्क रहो। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।